somewhat like this. बड़ा अच्छा लग रहा है यार. तो ये है हमारा फाइनल लुक. तो अभी हमने लिवाइस से और एडिडास से देवेश का फेवरेट सामान ले लिया है, सब कर दिया. बट ये पापा बोलने को तैयार नहीं है, ये बच्चे ना बहुत नखरी दिखाते हैं. वेल गुड मॉर्निंग गाइज. और कल रात जगराते में बहुत मजा आया. हम लोग खैर जल्दी आ गए थे क्योंकि मम्मी घर पे थी. और कल है हमारी वेडिंग एनिवर्सरी और अभी तक भी मैंने कुछ गिफ्ट नहीं लिया है, ना कुछ सोचा है. ऊपर से मेरी हालत ख़राब है पूरी. दो तीन दिन से ऐसे रातें निकल रही हैं कि मैं सो नहीं पा रही हूँ. एक्चुअली मुझे ना स्वेलिंग आ गई है थोड़ा सा, शायद मैंने ज़्यादा वेट उठा लिया है और मैंने अपनी बॉडी को थोड़ा एग्जॉस्ट किया है क्योंकि मैं मतलब सो नहीं पाती हूँ ना रात में. और ऊपर से जिम एकदम सुबह उठते ही फिर रू रू को फीड कराना, तो उसके वजह से थोड़े से इशू हो गए थे बॉडी में. एंड इट एक्सटेंडेड माई पीरियड्स अप टू लाइक 2 वीक्स. अभी सेकेंड वीक चल रहा है, पूरा ख़त्म हो गया. ये भी आ रहे हो? हाँ, सेकेंड वीक चल रहा है अभी, पूरा खत्म होने वाला है अभी ये सेकेंड वीक. सो आई एम सो टायर्ड एंड फ्रस्ट्रेटेड ऑफ माई बॉडी नाउ. मैं बीच में जिम भी जा रही हूँ लेकिन वो फिर नेक्स्ट डे फिर ऐसी हालत हो जाती है. तो फिर अभी दवाई खा रही हूँ, वैसे डॉक्टर ने बोला कि इट विल बी फाइन. हल्की सी सूजन आ गई है, अपने हैवी वेट उठा लिया थोड़ा सा, तो वेट कम रखो क्योंकि आप अभी फीडिंग मदर हो तो उसका ध्यान रखना थोड़ा सा. तो उसके हिसाब से ही मैं चीज़ें करने वाली हूँ. बट अभी काफ़ी पेन है मेरे को, दिक्कत हो रही है थोड़ी सी. लेकिन मुझे अभी देखना है क्योंकि कल दिवेश को सुबह जल्दी जाना है. सो आई हैव टू प्लान अ गुड सरप्राइज. एटलीस्ट कुछ दूँ नहीं तो उसके लिए कुछ अच्छा प्लान तो कर दूँ. तो मैं वही सोच रही हूँ कि मुझे क्या करना है, क्या करना है, बिकॉज आई एम रनिंग आउट ऑफ आइडियाज नाउ. क्या कर रहा है सुबह सुबह छोटू? पापा क्या कर रहे हैं सुबह सुबह? एडिटिंग काम कर रहे हैं पापा. आज पापा ने जिम की छुट्टी मारी है? नहीं. अच्छा पापा वेरी स्मार्ट यू आर. मम्मा ने छुट्टी मारी आज? नहीं, मम्मा की तो दिक्कत है, मम्मा तो जा नहीं सकती. तो बस मम्मा को छोड़ के पापा कैसे चले अकेले? अच्छा ठीक है. सुनो, गोवा नहीं जा रहे हो फिर तुम? मम्मा को छोड़ के पापा कैसे जाएंगे? आज मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं तो तुम्हारे पास ही. आज नहीं, कल. कल भी देखो, दोपहर तक तुम्हारे पास. परसों भी नहीं. तेज बनते हो ज्यादा. मैंने इस लड़की से बोली थी तेरी भी टिकट करा दूं गोवा की, इसने मना कर दिया. यार सब अलग अलग लोग जा रहे हैं ना, मैंने जानती भी नहीं, मैं क्या करूंगी वहां जाके. नहीं जानती, जाता है एक दो को नहीं जानती, बाकी सबको जानती. हाँ तो कंफर्टेबल नहीं हो पाते ना फिर. बस ट्रिप है ना वैसे भी उसमें. हाँ पर मैंने ऑप्शन दिया था. देखो देखो, एक तो वैसे भी मिलेगी जो तुम्हें बॉयज ट्रिप पे अकेले जाने के लिए. ऐसा पति मिलेगा जिसमें बॉयज ट्रिप पे भी इनवाइट कर रहा है? ये भी ठीक है, दोनों ही महात्मा हो. मैं बहुत सारे लोगों से बात कर रही हूँ कि कैसे करना है. दो डेकोरेटर से बात हो रही है अभी मेरी. आई एम नॉट श्योर कि मुझे कैसे डेकोरेशन चाहिए. इस बार मेरी तबीयत ख़राब है, मैं नहीं कर पाऊँगी खुद से. तो आई एम टेकिंग हेल्प दिस टाइम और अच्छा सा किया जाए, निवेश को अच्छा लगे बस. तो मैंने फाइनल कर दिया है, अभी मेरी डील डन हो गई है. अब मुझे जाना है छोटा सा गिफ्ट लेने के लिए, टीवी के लिए कुछ बढ़िया सा, तो उसे अच्छा लगे. और चलो डेकोरेशन का काम तो खत्म हो. बहुत बड़ी टेंशन थी, मैंने अभी को कॉल कर दिया, वो मुझे आ रहा है लेने. अब तक दिवेश बाहर गए हैं, मुझे नहीं पता क्या खिचड़ी पका रहा है लड़का, बट कुछ तो पका रहा है. मेरे को इंट्रेशन आ जाते हैं. चलो देखते हैं, बाकी थोड़ा सा अरेंजमेंट कर दिया, बाकी वो लोग आ जाएंगे 4 बजे डेकोरेशन के लिए. और मैं सोच रही हूँ छत पे कराऊँ क्योंकि दैट विल बी फन. और एक बार छाया प्रिया को कॉल करके देखती हूँ, अगर प्रिया आ सकती है तो लेट्स सी. फिर से कॉल करती हूँ पहले. सो दिस इज समथिंग दैट आई एम प्लानिंग, लेट्स सी कि ऐसा हो पाता है कि नहीं, देखते हैं. चलो ट्राई करते हैं. से पापा पापा मुझे बोलो ना बेटी को, ऐसा मत करो, मम्मा की मेहनत मत खराब करो. बोल दो पापा पापा दूंगी. पहले पापा बोलो, पहले पापा बोलो. पापा 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 रुड़ से पापा 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 बोल दो बेटा. पापा 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 रुड़ एक बार बोल देना यार, इतनी नखरी क्यों कर रहा है रुड़ू? पापा 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 रुड़ आज तो पापा नहीं बोलेगी ना, तूने कसम खा लिया ना, तू मेरा सरप्राइज खराब करना. अच्छा अच्छा टॉय. शैतान बच्ची बदमाशी. पिछले 20 मिनट से इस लड़की को मैंने रिश्वत भी दे दी, सब कर दिया, पर ये पापा बोलने को तैयार नहीं है. ये बच्चे ना बहुत नखरे दिखाते हैं. पापा खोलिया लेके चलो, चलो अंदर चलो, खोलेंगे, चलो चलो खोलेंगे. कहाँ से आया है ये, देख तो लो. खोलो इसको जल्दी जल्दी, इसके अंदर क्या आया है मेरी मम्मा. तो ये शायद किसी इंस्टाग्राम स्टोर ने भेजा है, देखती हूँ क्या है इसमें. मुझे तो इसमें तो स्वेटशर्ट जैसा कुछ लग रहा है. और ये स्वेटशर्ट आई है लोअर के साथ में, सो बेसिकली एक सेट है आई थिंक. तो दिस इज फ्रॉम द क्लोथिंग फैक्ट्री. लव यू पापा.
लव यू। दे बाबा आई लव यू बोल दो। आई लव यू दादी। आई लव यू। आई लव यू। आई लव यू। आई लव यू। और रूम्स लग रही है कान ले जाएगी। इसे छोड़ तुझे छोड़ दे बाबू। एक तो छोड़ देती है वरना बच्चे छोड़ देनी है। आई लव यू। मैंने दे रही हूँ उंगली। आई लव यू। अब निकाले आए ज़ॉम्बी। ज़ॉम्बी बच्चा बहुत तेज काटे या नहीं काटेगा। जिदान बच्ची अभी हम लोग जा रहे हैं क्या लेने गिफ्ट लेंगे। डेकोरेशन की हमारी तैयारी हो चुकी है। पहले हम डेकोरेशन करने वाले थे बट मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो हमने सोचा करवा लेते हैं बड़े से डेकोरेशन। और अभी हम गिफ्ट लेने जा रहे हैं। क्या लेना चाहिए? गिफ्ट लेना चाहिए। ऐसे ऐसे लोग पास में हो ना तो कुछ नहीं हो सकता। और मैंने नए कपड़े पहन लिए जो भी आए थे। चल अच्छा लग रहा है। तो अभी हमने लिवाइस से और एडिडास से देवेश का फेवरेट सामान ले लिया है। अभी हम जा रहे हैं छोले भटूरे। मतलब कितना अजीब लगता है। मतलब तुम दूसरे कपड़े खरीद रहे हो और अच्छे अच्छे कपड़े खुद पहन के दे रहे हो। सारे घर चल चके भी ट्राई किया यार दुकान में बेचारे ने कपड़े पहन के। चल तो डेकोरेशन के लिए भैया वहाँ से तोड़ने गए हैं क्योंकि ये हमारी थीम का पार्ट है। बाकी सब सामान आ गया है। फ्लावर्स भी आ गए हैं। चलो तब तक ये लोग वो लेकर आ रहे हैं। मैं ये लेके चलती हूँ। तो भी हमारा रिंग का सेटअप हो गया है यहाँ पे। और इसके बाद इसमें आई थिंक हैप्पी एनिवर्सरी और बलून का काम होने वाला है तो वो मैं आपको जब ये बन जाएगा उसके बाद दिखाऊंगी। और बाकी भैया का नंबर मैं डाल दूंगी आपको डिटेल्स में डिस्क्रिप्शन में सो यू कैन चेक आउट। ठीक है कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है तो वहाँ पे आप इन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। फिर इन मेरठ तो आपको एक अच्छा ऑप्शन मिल जाएगा। जो भी आप पिक्चर इन्हें दिखाओगे जो भी कलर के लिए बोलोगे ही इज रेडी विद एवरीथिंग कलर एंड एवरीथिंग जो भी आपको चाहिए तो उस हिसाब से। NCR में भी ओके तो फिर गाजियाबाद वाले बहुत लोग हैं हमारे पास। तो दिल्ली NCR वाले जो कुछ भी लोग हैं वो सब कांटेक्ट कर सकते हो। तो जैसे ही मैं घर पे आई दिवेश चले गए। मुझे लग रहा है कुछ खुरापात चल रही है और ये भैया ऊपर डेकोरेशन कर रहे हैं। तब तक मुझे थोड़ा सा वीडियो एडिट करना है वो मैं करती हूँ और फिर ऊपर जाके देखेंगे क्या क्या काम हुआ है। आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर टुडे। आज ये लड़का बहुत काम आया है। 50 रुपये तेरी मजदूरी के तुझे मिल जाएंगे शाम तक। तो भैया कह रहे हैं कि वो उसे वहीं सेट करके जाएंगे क्योंकि इसमें कुछ भी अगर कटेगा फटेगा तो मैं ठीक नहीं कर पाऊंगी और वो ठीक कर देंगे। तो चलो ये भी ठीक है। हमारे यहाँ बंदर वाला प्रॉब्लम नहीं है तो ये इशू भी सॉर्ट हो गया है। वैसे बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था ऐसा डेकोरेशन बट आपने बहुत अच्छा काम किया सच में। अकेले तो मैं जैसे कभी कर ही नहीं पाती। तो सेंटर में तो मैंने दिखाई दिया है हैप्पी एनिवर्सरी। मैंने ना साइड में लाइट्स और लगा दिए जिससे ना एक अच्छा सा और फीलिंग आए थोड़ा लाइट अप लगी क्योंकि अभी तो खाली खाली लग रहा है ना साइड में। सो आई वांटेड सम लाइट्स तो वही मैं ऐड कर रही हूँ। मैं थोड़ी सी और लगा देती हूँ आई थिंक और बेटर लगेगा। तो दोनों साइड से डेकोरेट होने के बाद कुछ ऐसा लग रहा है। पहले मैंने ऊपर टांग दिया था बट ऊपर वो बलून में गड़बड़ हो रही है उसकी वजह से तो नीचे रख दिया है मैंने। तो मैंने कुछ रोज़ पैटर्न्स भी मंगवाए थे उन्हीं भैया से तो वो भी अभी मैं यहाँ पे लगाऊंगी। आप दिखाती हूँ फाइनल डेकोरेशन कैसा लग रहा है। तो ये है हमारा फाइनल लुक। अभी बस मुझे इसमें रोजेस लगाने वो रह गए हैं बाकी मैंने ज़मीन पे ऐसे कर दिया है और काफ़ी सुंदर लग रहा है। सो फाइनल डेकोरेशन इज डन एंड आई एम वेरी हैप्पी विद द आउटकम। मुझे लगा नहीं था कि ऐसा कुछ होगा बट ये जैसा मैं देखती थी ना अभी तक पिक्चर्स में बिल्कुल वैसा है। सो आई एम एब्सोल्युटली लविंग इट। लाइक हाउ ब्यूटीफुल इट इज़ लुकिंग। और फोन में पिक्चर नहीं आएगा मैं आपको ऐसे करके दिखा सकती हूँ लाइक थोड़ा सा ब्राइटनेस को डाउन करके या समवॉट लाइक दिस। बड़ा ही अच्छा लग रहा है यार। तो अभी हम लोग रेडी हो गए हैं और रेडी होके हम कहाँ जा रहे हैं वो हमें भी नहीं पता। दिवेश ने बोला कहीं बाहर चलते हैं। सब लोग तैयार होकर जा रहे हैं और ये लड़की लड़ाई कर रही है। क्यों लड़ाई करती है ये? मुझे साफ कर ले। चल 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 साफ कर ले। कहता है प्रियांशु को बुला। अरे अरे